नमस्ते, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं? और घर में सब कैसे हैं? बाकी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद दे रही हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जो कमेंट्स करते हैं, व्लॉग देखते हैं और साथ दे रहे हैं। उन सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। यहाँ पर देखिए, ये कोई जंगल जलेबी नाम बता रहे थे कि ये जंगल जलेबी है, ये सफल फ्रूट है। और यहाँ केरिया मैंने छाट ली है इस चीकू के अंदर से, पेड़ से जो है टूटी हुई थी केरिया, केरी के साथ में यहाँ पे ढेर सारे, ये देखिए इतने सारे चीकू जो है ये लेके आए थे। मतलब फ्रूट्स है, सब्जियाँ हैं, ये सब ना खेत पे ही जाते हैं ना डेली, तो मतलब आ जाते हैं सुबह 6 बजे डेली, है ना, एक बार कभी कौन से खेत पे, कभी कौन से खेत में, जैसे कभी पौधे लेने गए बाहर तो वहाँ से ऐसे मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहता है, फ्रूट्स वगैरह सब्जियाँ वगैरह। तो एक साथ अगर मैंने उनको अखबार में लपेट के रख देती सारे चीकू को, तो एक ही साथ पक जाते, तो उनको वैसे ही रहने दिया था, तो हमेशा मतलब तीन चार डेली उसमें से पक जाते थे, खाते जा रहे थे और थोड़े बहुत इधर उधर दे दिए थे। यहाँ पर लगाने थे मुझे फॉल, एक साड़ी के तो फॉल तो मैं किशनगढ़ थी ना पियर, तभी लगा के आ गई थी, क्योंकि वहाँ बैठे बैठे मैंने कहा, और एक साड़ी की यहाँ के लगाई थी फॉल। और टमाटर भी आए थे, उन टमाटरों को धो के थोड़ी सी देर पानी में रख के उनको भी निकाल दिया था, देसी टमाटर आए थे खेत से। और यहाँ पर फिर मैंने चीनी को पीसा है, क्योंकि अभी नींबू पानी मतलब दिन में 2 बार तो बनता ही है, और कोई गेस्ट आ गए तो भी नींबू पानी, तो जब नींबू पानी के लिए सबसे ज़्यादा टाइम शुगर को घुलने में ही लगता है, इसलिए मैंने चीनी को पहले ही पीस के रख लेती हूँ। और काला नमक भी खाली हो गया था छोटे उस डिब्बे में, तो दूसरे डिब्बे में से उसको उसमें भर लिया था। और जब नींबू आएंगे ना, तब इस बार तब नींबू भी, नींबू और चीनी का दोनों को मिक्स करके हम शरबत जैसे बना के रख लूँगी कांच की बोतल में, तो और ईजी हो जाएगा। फिलहाल तो मैंने चीनी जो है पीस के रख ली है, तो पीओ के दूध में है, नींबू पानी में, किसी में भी काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। खाने में शाम को बनाई थी ये दाना मेथी है, तो शाम को ही बनाते हैं दाना मेथी, और 15 दिन में तो एक बार दाना मेथी ज़रूर बनती है। उसके लिए मैं सुबह ही भिगो देती हूँ दाना मेथी को, और फिर शाम को कुकर में एक सीटी ले लेती हूँ। भिगोने के बाद में कुकर अपने से ठंडा हो गया था, तब उसमें लहसुन, लहसुन जो हमेशा मैं इस पे चकले पे इसी तरह से कूट के डाल दिया करती हूँ। और हर सब्जी में लहसुन जाता है, लेकिन दाना मेथी में लहसुन और प्याज से ही ज़्यादा ये अच्छी भी लगती है। लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची सारी चीज़ें डाल दी, टमाटर डाल दिए, दाना मेथी डाल के जो मसालदानी के जो मसाले हैं वो डाल दिए थे, और 2-3 मिनट को उसको इसी तरह और ओपन ही पकने दिया था। और फिर यहाँ पे ना मिश्री लेके आए थे, ये धागे वाली मिश्री है, तो थोड़ी तो मैं कोट करके इसको भगवान जी के भोग के लिए, मतलब उनको नहलाने के बाद में मिश्री का ही भोग लगाते हैं, तो वो भर के रख दिया था। और जो बची हुई थी उसको जेजी जो है लेमन ग्रास पीते हैं, चाय नहीं पीते वो, तो उसमें चीनी नहीं डालते हैं वो, ये डालते हैं मिश्री, तो उनके भी डिब्बा कोट के मैंने भर दिया था। पियो कह रही थी कि लो मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, तो ये बस अपनी ठीक है, जैसे भी जो हेल्प कर रही है, मैंने कहा करो, इसका भी मन लग जाएगा, अभी बच्चे भी एक दो छुट्टियों में गए हुए हैं, ये जाके आ गई, अब वो दूसरे बच्चे गए हैं तो इसका भी मन नहीं लग रहा। और इसके बाल देखिए, अगर आपको अगर ध्यान में होगा तो छोटे हो गए हैं बाल, ये जितनी छोटी थी बाल उतने लंबे थे, जितनी लंबी होती जा रही है बाल छोटे होते जा रहे हैं इसके, क्योंकि स्कूल जाने लगी है तब से इसके बाल कटाने पड़ गए, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ करती है बालों को लेके। और इन 2 महीनों में इसके बालों की और ना इसकी इसकी पढ़ाई की किसी बात की केयर भी नहीं हो पाई थी। रही कसर जो है इसकी जुएं हो गई थी, जब वहाँ थी मम्मी के आना जाना लगा हुआ था उस टाइम के बीच में, तब फिर मैंने इसके बाल कटवा दिए थे। तो मैंने मेरे भतीजों को भेजा था कि इसके बाल काट लो, मतलब आगे से मत कटवाना, पीछे से थोड़े छोटे करवा देना, तो शायद उसने सुना नहीं होगा, थोड़े से ज़्यादा छोटे भी हो गए, आगे से भी कटवा दिए। लेकिन फिर मैंने देखा अभी इसके बाल ना अच्छी ग्रोथ है, तो ये बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी, सेकेंड क्लास में ही है,
जब ये थर्ड फोर्थ में आएगी तब से इसको बाग बढ़ाना शुरू कर देंगे। ग्रोथ तो है ही सही। और यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई है, चाय मैं ही पीती हूँ बस। जे जी लेमन ग्रास टी पीते हैं और मैं ही चाय पीती हूँ, जो मेरे सुबह और शाम। तो जब भी चाय पीती हूँ, खाना अकेले खाती नहीं, ये मुझे साथ में लेके खाते हैं। और यहाँ मैं बस वही मम्मी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि जब भी मैं बैठती हूँ ऐसे तो काम में लगी रहती हूँ। पीयू को बार बार जगा रही थी और यहाँ पे बैठे बैठे सोच रही थी। जैसे मैं मेरा फ़ोन जब भी नहीं जाता था ना, तो मम्मी का आ जाता था। और वो कहती, आज थारू फोन को ना आयो, तबीयत तो ठीक है ना। मैंने कहा यार, मैं बहुत उसकी याद आ रही थी उस टाइम जब। और मैं कहती हूँ, मैं किसको फ़ोन करूँ, और करूँ तो भी कहाँ करूँ। जो गाना नहीं है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। वो ये सब मैं सोच रही थी, काफ़ी देर तक चुपचाप वहाँ बैठी रही थी। यहाँ पर जे जी ने प्रेस के लिए जो कपड़े निकाले थे उनसे तो हुई नहीं, फिर मैंने उनके सारे शर्टों के प्रेस करी। जींस पहनते हैं इसलिए जींस के प्रेस करवाते नहीं है, बस शर्ट ही करनी पड़ती है मेरे को। तो शर्ट सारी जो है पीयू को पढ़ाने को भी देती जा रही थी। उनकी ड्रेस से यहाँ पे मैंने कर दी है, और पीयू के भी यहाँ पे अलमारी जो है अस्त व्यस्त हो रही थी। ये लंबी टी शर्ट्स वगैरह तो मैंने हटा दी, और जो है हाफ टी शर्ट है, नेकर है, फ्रॉग और ये स्कर्ट्स वगैरह, छोटे छोटे गर्मियों के ये कपड़े निकाल लिए थे, और उसकी भी अलमारी जमा दी थी। फिर पीऊ के उठ गई थी, तो उसके लिए मैंने बनाया था दूध। फ्रिज से दूध निकाल के ठंडे दूध में मिल्क रोज मिला दिया था और उसको जगाया था। ये तो शाम को ये थोड़ा सा दूध पी के ये खेलने चली जाएगी। और फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाने बैठ गई थी, क्यों राशन ख़त्म हो रहा था महीने का, तो यहाँ पे लिस्ट बनानी थी। जैसे जैसे मैंने कहा जो याद आ रहा बना लेते हैं, फिर बाद में और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रिज में मैंने चेक किया है, तो यहाँ पे से राजमा मसाला छोले वगैरह कुछ थोड़े से ख़त्म हो गए थे वो सब। और फिर उड़द की दाल शाम को बनानी थी, मिक्स दाल। तो उड़द की दाल फ्रिज में ही रखती हूँ मैं, बाकी तो बाहर रहती है। और थोड़ा सा निकाल के और उसको हाथों हाथ इस तरह से पैक कर देती हूँ, ताकि इधर उधर फैले नहीं। और जो बर्तन सुबह के जैसे कि सूख गए थे, सुबह के शाम, शाम के सुबह, इस तरह से पानी से वो सूख गए थे, तो उनको जमा दूंगी बर्तनों को। और फिर बाद में खाने में देखेंगे क्या बनाना है। और थोड़े बहुत जो चाय के बर्तन हो गए ये, और जो डब्बे वगैरह थोड़े बहुत निकल जाते हैं, हाथों हाथ मांजते रहते हैं, तो इनको मांज लूँगी। बस कुछ इस तरह का मैंने व्लॉग बनाया है, 2 या 2 दिन के अंदर बनाया था मिक्स करके।